सोलन में पुलिस लगातार नशा माफिया पर सिकंजा कसते जा रही है। पिछले एक वर्ष में लगातार नशा माफिया की धरपकड़ की जा रही है। जगह जगह पर पुलिस ने अपने गुप्तचरों को नशा माफिया के पीछे लगा रखा है। सोलन में कोई भी छोटी बड़ी हरकत होती है तो पुलिस सीआईडी और एसआईओ मिलकर नशा माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने में देर नहीं लगाती। यही कारण है कि अब नशे के सौदागर सोलन का रुख करने से पहले सोच में जरूर पड़ चुका है। अधिक जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि इस वर्ष उन्होंने कुल 71 मामलों में 57 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 किलो 463 ग्राम चरस, 41 ग्राम अफीम और 124 ग्राम 399 मिलीग्राम चिट्टा पकड़ा है। उन्होंने बताया कि इस माह में 19 केस नार्कोटैक्स में दर्ज कर 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक नेपाली और एक नाइजीरियन है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पुलिस और भी सख्ती के साथ नशा माफिया पर नजर रखेगी और अपनी मुहिम यूं ही जारी रखेगी। उन्होंने स्थानीय जनता से सहयोग की अपील की है ताकि नशा माफिया को जड़ से समाप्त किया जा सके। सोलन पुलिस ने नशे के खिलाफ जो अभियान है उसको जारी रखा हुआ है और उसको जारी रखते हुए पिछले महीने कुल 19 केस जो हैं वो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं, जिसमें 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 32 भारतीय हैं, एक नेपाली मूल का है और एक विदेशी व्यक्ति अपने आप को नाइजीरियन मूल का बताता है। इसमें हमने 4 किलो 363 ग्राम और 92 मिलीग्राम चरस, 44 ग्राम अफीम और 124 ग्राम 398 मिलीग्राम चिट्टा पकड़ा है। इस साल में अभी तक हमने नारकोटिक्स में 106 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 97 भारतीय, 6 नेपाली मूल के और 3 विदेशी मूल के। ये मुहिम जनता के सहयोग से जारी रहेगी। सोलन की जनता हमें बहुत सहयोग दे रही है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी सहयोग देती रहेगी और हम इस अभियान को जारी रखेंगे।